माता की, भारत माता की, भारत की महामहिम राष्ट्रपति, हमारे देश की गौरव माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुआना के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के महामहिम राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, मध्य प्रदेश के कर्मठ गवर्नर आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे प्रिय विदेश मंत्री, कल जिनका जन्मदिन भी हमने मनाया, तुम जियो हजारों साल, आदरणीय जयशंकर जी, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन जी, और मेरे प्रिय प्रवासी बहनों भाइयों भांजे भांजियों, एक बार फिर मध्य प्रदेश का प्रणाम, इंदौर का प्रणाम और मामा का प्रणाम। यह दुर्लभ अवसर है, आज एक मंच पे तीन महामहिम राष्ट्रपति विराजमान है। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए भारत के राष्ट्रपति जी का, गुआना के राष्ट्रपति जी का, सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का। मेरा मन आज भाव विभोर है, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दिल के किसी कोने में गम भी उदासी भी छा रही है। तीन दिन तक आपका साथ रहा, इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। अपनी बेटी की शादी जैसा इंदौर का स्वागत सत्कार, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो फिर मन में तकलीफ भी होती है। तीन दिन आनंद के, उत्सव के, उमंग के, तीन दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। और अब मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे, अरे यहीं रह जाओ ना, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कल मैं गया था पधारो मारे घर कार्यक्रम में, होम स्टे, वहां संस्मरण सुना रहे थे। एक बहन ने सुना कि पहले तो मैं डर रही थी दूसरे घर कैसे जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन उस घर में रह के उस घर की हो गई। भाव विभोर थे प्रवासी हमारे सारे, और उनसे ज्यादा भाव विभोर थे मेहमान से ज्यादा मेजबान। ऐसे लगा कि दो परिवार नहीं मिले हो, दो देशों को जोड़ दिया हो। सचमुच में तीन दिन से सब तरफ इंदौर की चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है, भारत की चर्चा हो रही है, और मैं सच कहता हूं यह कार्यक्रम केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं था। जयशंकर जी की टीम लगी थी विदेश मंत्रालय, मध्य प्रदेश की टीम लगी थी, लेकिन इंदौर की जनता ने जी जान से जुड़ के ये कार्यक्रम किया। इंदौर की जनता ने, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे इंदौर स्वच्छता की राजधानी, इंदौर स्वाद की राजधानी,
लेकिन मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, इंदौर जन भागीदारी और जन सहभागिता की भी राजधानी है। और जाने के पहले हमने आपसे पेड़ लगवाए ग्लोबल गार्डन में, हर देश की प्रतिनिधियों ने पेड़ लगाया, आपको हमने प्रेम के बंधन से तो बांध ही था, पेड़ के बंधन से भी बांध लिया। ये पेड़ सदैव आपकी याद दिलाएंगे, और जिनने पेड़ लगाए उनको QR कोड भी हम दे रहे हैं, आप स्कैन करेंगे तो आपका लगाया हुआ पेड़ आपको दिखेगा। उस पेड़ को हम बढ़ाते रहेंगे, वो पेड़ आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। आज और सचमुच प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया वसुदेव कुटुंबकम का, भारत का मंत्र है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण, विश्व के कल्याण के साथ विश्व का कल्याण तब होगा जब पर्यावरण बचे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत दिया है दुनिया को, इसलिए हमने भी पर्यावरण के लिए एक पेड़ लगवाया है आपसे। ये पेड़ हमें यह भी याद दिलाता रहेगा कि भारत का संदेश है, प्रधानमंत्री का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यह भारत का संदेश पूरे विश्व में फैलाइए। आज भारतीय समुदाय का कल्याण का काम करने वालों को महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कृत करेंगी, उन सबको मैं बधाई देता हूं। आज सवेरे एक सत्र और हुआ था महिला उद्यमियों का राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका पर। आज मैं एक योजना जरूर आपको मध्य प्रदेश की बताना चाहूंगा, और वो योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। हम बेटियों, हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो बेटियों की पूजन से, और मध्य प्रदेश में थोड़ा सेक्स रेशियो गड़बड़ा रहा था, बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी, तो हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और उसमें तय कर दिया कि बेटी अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र उसके नाम से खरीद के हम रख लेंगे, और जब बेटी पांचवी पास करके छठवीं में जाएगी तो 2,000, आठवीं पास करके नौवीं में जाएगी तो 4,000, दसवीं पास करके ग्यारहवीं में जाएगी तो 7,500, ग्यारहवीं और बारहवीं में 6,000 रुपया और जैसे 21 साल की होगी तो सीधे 1,00,000 रुपया और उसको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, साइकिल निःशुल्क, और अब तो लाडली लक्ष्मी 2 में हमने जोड़ दिया है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर एडमिशन हो जाएगा तो इस प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, उन बेटियों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा ही भरवाएगा, आप प्रदेश की सरकार भरवाएगी। महिला सशक्तिकरण के एक नए युग का प्रारंभ मध्य प्रदेश की धरती पर किया। और मैं एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइज एज पे 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। भारत की GSDP में हमारा योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, 4.6% है, और आज फूड बास्केट है मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का, गेहूं के उत्पादन में हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। एक नहीं अनेकों उपलब्धियां हैं, विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अद्भुत राज्य मध्य प्रदेश। खेती के मामले में हमारा बासमती राइस, हमारा सरबती गेहूं, चिन्नौर चावल, ड्यूरम वीट, मध्य प्रदेश की अलग पहचान है। गुड गवर्नेंस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, और इसलिए जाते जाते मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं। मध्य प्रदेश को भूलना मत, भूलेंगे तो नहीं ना। एक तो निवेश में जो योगदान हो सकता है, कई लोग मुझसे मिले हैं, मैं तो कुछ लोगों को कह रहा हूं रुक जाओ, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है कल और परसों, कई लोगों ने बहुत अच्छे प्रस्ताव दिए, आप खुद भी निवेश कीजिए
और अगर आपको नहीं करना हो तो और कोई से भी करवाइए ना। अच्छा, हम में और आप में कोई दूरी नहीं है। हमने एक फ्रेंड्स ऑफ एमपी पोर्टल बनाया है, फ्रेंड्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के दोस्त बनिए ना, www.friendsofmp.gov.in पोर्टल है। आप पोर्टल पर प्रस्ताव भेजिए, तुरंत आपको रिस्पांस मिलेगा, देर नहीं लगेगी। मेरे प्रिय मित्रों, अगर निवेश नहीं करना हो तो जहां के हो आप, मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेश से भी, तो मेरी अपील है साल में एक बार जरूर अपने गांव या शहर आना। मध्य प्रदेश में हम गौरव दिवस मनाते हैं, तब जितने मध्य प्रदेश में उस गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले, उनको बुलाते हैं और कोई ना कोई छोटा मोटा योगदान जरूर देना अपनी माटी के लिए, अपनी जड़ों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। और एक अपील और है, हमारे जो बेटा बेटी पढ़ रहे हैं, अब भारत में बहुत लोग पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी जाते हैं पढ़ने अलग अलग देशों में, आपके देश में उन बच्चों के लिए एक हेल्प डेस्क बना लेना, एक हेल्प डेस्क बन जाए, जो अगर कोई कठिनाई बच्चों को आए तो उनको सहयोग करे। और निवेश ना करो तो ना सही, मध्य प्रदेश घूमने जरूर आना और घूमने जरूर भेजना लोगों को। अभी भी घूम के ही जाना, एकदम मत चले जाना। महाकाल, महालोक, मांडवगढ़, महेश्वर, टाइगर रिजर्व और चीता देखने भी फरवरी में बुलाऊंगा आपको। फरवरी से हमें अलाउ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने, नामीबिया से चीता बुलाए, दक्षिण अफ्रीका के चीता और आने वाले हैं। एशिया महाद्वीप में खत्म हो गए थे, अब मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर में आ गए। मेरे बहनों और भाइयों, ये सचमुच में ऐतिहासिक अवसर है। समिट के अलावा भी मध्य प्रदेश आते रहे और अब कहते हुए मन भारी है, लेकिन विदाई की बेला आ गई है। इंदौर की यादों को लेकर विदा, मध्य प्रदेश की पावन स्मृतियों को लेकर विदा, हृदय में हमारे प्रेम को लेकर विदा। जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। तुम बिन लागेगा कन्वेंशन सेंटर सुना, तुम बिन लागेगा राजवाड़ा सुना सुना, तुम बिन लागेगी 56 दुकान सुनी सुनी, और तुम बिन लागेगा सराफा सुना सुना, तुम बिन लागेगा इंदौर सुना सुना, और तुम बिन लागेगा हृदय घट सुना सुना। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और अंत में अगर कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि हाल छोटा पड़ गया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, अगर कोई असुविधा हुई तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। हमारे प्यार को हृदय में रख के जाइए और हमें क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।